के शहरयान का इल्जाम है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्युनिटी किचन कायम करने के नाम पर लापरवाही बरत रही है। मींस कॉर्पोरेशन सिर्फ बैनर और पोस्टरबाजी से काम ले रही है। प्रांत अफसर ने भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज एक्ट और इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट के तहत वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई करने का इशारा दिया है। प्रांत अफसर के नोटिस के बाद कम्युनिटी किचन के नाम पर शहर में जगह जगह बैनर लगाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खलई खोल दी है। संस्था के मार्फत तो बड़ा काम कर रही, लेकिन महापालिका उस पर कोई एक करने का, जो बना रहे उसको भी परमिशन के देने का नाटक कर रहे, जो इधर बना रहे तुम इधर नहीं बनाने का उसको अकेल रहे, ये महापालिका का काम हो रहा है। अपन खुद एक डब्बा नहीं बांटा। आज मैंने पत्रकारों से मालूम लिया, पत्रकारों से क्या बोले, महापालिका 72,000 के 78,000 डब्बे बांट रही रोज एक खाने के गरीबों को। मैं पूछा आयुक्त को, मेरे को नहीं मालूम और इतने डब्बे बांट रहे तो मेरे को तो मालूम होना चाहिए। तो आयुक्त बोलता हम बांटे नहीं, आज 1700 कुछ तो बांटे 1700, उसमें भी खाना एकदम थर्ड क्लास की डिग्री एक क्वालिटी का खाना था, इसके लिए लोगों ने वो खाना उधर ही फेंका है, वो उसके फोटो वायरल हुए। भूख की तरह परेशान है, इसलिए आप देखिए ब्लाइंड कर रहे लोग, अगर उनको खाना मिल जाए सही ढंग से तो वो यार रुकेंगे भागेंगे नहीं, लेकिन इलाके के छोटे छोटे कमेटियां उनको खाना खिला रही है, लेकिन महानगर पालिका और प्रशासन की तरफ से सिर्फ झूठे वादे, कोई फायदा इनको मिल नहीं रहा है। और अब आगे हमारी ताकत नहीं है, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और महानगर पालिका से ये गुजारिश करते हैं कि झूठे वादे बंद करें। आज मैं ये बोर्ड निकाल करके फेंक रहा हूँ महानगर पालिका का जो बाहर लगा है, 8 दिन से ये लोग फोटो खिंचा रहे, 1 रुपए का राशन नहीं दिए। प्रांत अफसर मोहन नलनकर की जानिब से डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर कुरलेकर के नाम जारी नोटिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बेघर, गरीब व मुस्तहिक